हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मसूर दाल की खिचड़ी की रेसिपी। ये देखने में जितना कलरफुल लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और फ्लेवरफुल होता है। तो आपको भी जब भी हल्का फुल्का या लाइट खाने का मन हो तो आप ये खिचड़ी आराम से घर पर बना सकते हैं, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तेल हमारा गरम हो गया है, हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे, 10 से 12 करी पत्ता ऐड करेंगे, एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे, 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। 2 मिनट भून गया है। इस टाइम पे इसमें बड़े बड़े टुकड़ों में 2 कटा हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ 1 टमाटर ऐड करेंगे और सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। सभी को मिलाने के बाद इसमें 1 कप धुली हुई मसूर की दाल ऐड करेंगे। मसूर की दाल को सभी इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को मसालों के साथ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है, हम इसमें 2 कप धुली हुई चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड कर सभी इंग्रेडिएंट को चावल में अच्छे से मीडियम फ्लेम पे एक बार फिर से मिला लेंगे। चावल को सभी इंग्रेडिएंट के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें 6 कप पानी ऐड करेंगे। खिचड़ी बनाते समय हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ताकि खिचड़ी नीचे पतीले में चिपके ना और हमारी खिचड़ी में पानी की कमी भी ना हो, जिससे खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। खिचड़ी में पानी मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से ढक करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ये देखिए खिचड़ी में उबाल आ गया है। इस टाइम पे इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए ढक कर पकने देंगे और इसे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे ताकि खिचड़ी नीचे तले में लगे ना। ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। खिचड़ी हमारा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए खिचड़ी हमारा बन के तैयार हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, खिचड़ी को ठंडा होने देंगे और इसे सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।